हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दिया गया सामाजिक विज्ञान का कार्यपत्र 54 करेंगे। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, स्टालिनवाद और समूहीकरण के बारे में पढ़ेंगे। लेनिन के बाद शासन करने वाले स्टालिन ने कम्युनिस्ट विचारों को और अधिक सख्ती से जो था वो लागू किया था, और विनाशकारी अकाल के कारण 1927 के बाद अनाज का नियंत्रण कीमतों को लेकर किसान और सरकार के बीच टकराव हुआ। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक क्षेत्रों का दौरा किया, जबरन किसानों ने अनाज खरीदा और कुलकों को संपन्न किसानों पर छापा मारा और आधुनिक खेतों को विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों को सफाया करना इन्होंने सही समझा। किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना करना इन्होंने ये आवश्यक कर दिया। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों के सामूहिक खेते जो थे कोल खोज में खेती करने का आदेश जारी किया, तो उसके बाद अधिकांश भूमि और उपकरणों को सामूहिक खेतों के स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया गया। किसान सामूहिक जमीनों पर काम करते थे। वह कोल खोज के लाभ को सभी किसानों में बांट दिया जाता था। क्रोधित किसानों ने सरकार का विरोध किया और मवेशियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। आगे क्या हुआ? सामूहिकरण का विरोध करते हुए उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। कई लोग निर्वासन या देश निकाल दिए जाते थे। पार्टी के भीतर कई लोगों ने नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत औद्योगिक उत्पादन से भ्रम और सामूहिकरण के परिणाम की आलोचना भी की, और स्टालिन और उनके हमदर्दों ने इन आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया और उन्हें कड़ी सजा दी। अब आगे रूसी क्रांति का प्रभाव। रूसी क्रांति द्वारा मेहनतकशों के राज्य की संभावना का स्पष्ट उदाहरण दिया गया था हम लोगों को, और स्पष्ट उदाहरण दिया गया था कि सोवियत संघ यूएसआर ने समाजवाद को एक वैश्विक चेहरा और विश्व स्तर प्रदान किया था। अब समाजवाद एक वैश्विक उद्देश्य जो था इसके रूप में स्थापित हो गया। मार्क्सवाद, लेनिनवाद और स्टालिनवाद ने समाज के नए लिए सात रास्ता भी दिखाया। हमारे संविधान में भी समाजवाद लाने का वर्णन किया गया। तो आइए अब क्वेश्चंस करते हैं। कुलक कौन थे? ये धनी किसानों के लिए रूसी शब्द था, जो स्टालिन का मानना था कि अधिक लाभ हासिल करने के लिए अनाज जमा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम क्या था, इसे कैसे लागू किया गया? तो आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि विश्व पर रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो आप ये चारों प्रश्न लिख में ये जो उत्तर है इनमें दर्शाएंगे। यहाँ पे वर्कशीट आपकी खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।